से इस वीडियो का जो पिछली वीडियो का था उसमें क्या किया हमने ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए दिस इज़ आवर कॉम पोर्ट 4, दिस इज़ शोइंग 3.48 वैल्यू। तो ये जो 3.48 दिख रहा है ये वोल्टेज है एक्चुअली, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है लैग आ रहा है हमारा एक और। देखिए हाँ ये इसमें देखिए इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए इसमें देयर स्टिल टाइम प्लेड सेफ, ओके मेरे को नहीं खेलना, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। तो देखिए ये जो है हमने चेंजेस किए थे और इसमें कोडिंग वगैरह करी थी। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स दैट इज कंपोनेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे हमारा LDR। LDR जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था, LDR क्या है? LDR फोटो रजिस्टर, ओके। अब फोटो रजिस्टर ऐसा दिखता है कुछ फोटो रजिस्टर, और यही जो कंपोनेंट है ये एज इट इज़ आप कह सकते हैं मेरे पास भी है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, बट जो मेरी वीडियो क्वालिटी है ये थोड़ी सी एक्चुअली इसमें कम है, अच्छी नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द पोजिशन एंड नाउ इट इज़ विजिबल, ओके। तो ये आपको फोटो रजिस्टर दिख रहा है, ऐसा और फोटो रजिस्टर होता है, और यही एज इट इज़ हमारे पास भी है। तो फोटो रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है, ये मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। फोटो डिटेक्टर्स एंड फोटो रजिस्टर्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR और अ फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो इसके अंदर जो है वो हमारी खींचने वाली फ़ोटो नहीं है, या क्लिक करने वाली फ़ोटो नहीं है, या वो फ़ोटो नहीं है जो हम इंस्टाग्राम और उस पर डालते हैं फेसबुक पर। ये फ़ोटो जो है ये आपकी लाइट है, फ़ोटो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, और फोटो रेजिस्टर यानी जो ऐसा रेजिस्टेंस जो कि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फोटो रेजिस्टर इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ेगी तब रेजिस्टेंस जो है इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक डायग्राम बना रखा है, कंडक्शन बैंड नीचे वैलेंस बैंड है, और ये इसके अंदर लाइट रे आ रही है, ठीक है। लाइट रे जो है ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही है, ओके। ड्यू टू HV क्या है, एनर्जी बैंड गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये आपका HV है, ठीक है। ड्यू टू HV इलेक्ट्रॉन गो टू कंडक्शन बैंड एंड डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आपका सेमीकंडक्टर जो होता है, मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो जब इसके अंदर आप एनर्जी देंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जाने के बाद कंडक्शन दैट मीन्स वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। इन आर्डिनो, देखिए इसके अंदर मैंने अभी बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, अगर आप इसको पूरा लॉन्ग में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसके अंदर पूरी एक कंप्लीट वीडियो होगी जो कि इसको एक्सप्लेन करेगी कि ये फोटो रजिस्टर जो है ये काम कैसे करता है, ठीक है। इन आर्डिनो कांट मेजर रेजिस्टेंस सो वी मेजर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, ओके। तो इसका कनेक्शन मैं आपको जब समझाऊंगा तब इसके अंदर हम समझेंगे, बाकी कनेक्शन मैंने इसके अंदर भी बता रखा है। तो इसके अंदर हम रेजिस्टेंस जो है उसको तो मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसके अंदर वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इसका वो लाइट पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी देन वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा और हम वोल्टेज को इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। बाय एड अनदर रजिस्टर इन सीरीज एंड फाइंड वी बिटवीन दैम, लाइट इंक्रीज करेंगे, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस इट डिक्रीज हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हुआ, ओके। वी सोर्स जो है ये हमने इधर फोटो रजिस्टर जोड़ दिया, वी सोर्स या कह सकते हैं आप इसको 5 वोल्ट जिसको हम आर्डिनो के थ्रू देंगे। देन इधर हम देंगे ग्राउंड, ये फोटो रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है जो हम 1 किलो ओम का यूज़ करेंगे, और इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे हमारी एनालॉग रीड की पिन, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे इसमें एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं कोडिंग की तरफ। एंड बिफोर कोडिंग
हम लोग, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हम कोड यूज़ करेंगे वो अगेन वही पिछले वाला कोड यूज़ होगा। कोड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ एक थोड़े से चेंजेस करने हैं, और आपका जो कोड है वो एज इट इज़ हमें, या शायद मुझे लगता है चेंजेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दी कनेक्शन मेकिंग। तो कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, एक आपको चाहिए LDR, और ये जो हमने पोटेंशियोमीटर लगा रखा था इसको हम निकाल करके साइड में रख देंगे और इसकी जो हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें से अब हम यूज़ करेंगे एक हमारी 5 वोल्ट वाली केबल जो है, ये हमारी ग्राउंड की केबल है। मान लीजिए इसको मैं एज अ ग्राउंड की केबल यूज़ करूँगा, दिस इज़ माई ग्राउंड पिन। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। और तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने जो पिन लेआउट लिए हैं वो ग्रे कलर की जो है ये 5 वोल्ट्स में है, देन ऑरेंज वाली जो है ये ग्राउंड में है, देन वाइट वाली जो है ये हमारी A2 पिन में है। ठीक है, तो ऑरेंज वाली जो है ये हमारी 5 वोल्ट्स में हमने दे रखी है, सॉरी ऑरेंज वाली जो है ये हमारी ग्राउंड में दे रखी है, देन ग्रे वाली जो ये आपको वायर दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये जो ग्रे कलर की वायर आ रही है ये हमने रेजिस्टेंस जो हमारा फोटो रेजिस्टेंस है इसके साथ सीरीज में है, देन ये जो वाइट वाली वो जो वायर दिख रही है आपको ये इन दोनों के बीच में लगा रखी। देखिए इस साइड जो है हमारा रेजिस्टेंस की लेग है, देन उस साइड जो है फोटो रेजिस्टर की लेग है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है हमारी ये वाइट कलर की जो वायर है ये जा रही है A2 पिन में। ठीक है, ये मेरा डॉग एक्चुअली पीछे से बोल रहा है, तो A2 पिन में जा रही है, और ये जो है हमारी ये हमारी डिजिटल राइट वाली पिन से आ रही है। ठीक है, ये इनका नंबर जो है जो भी है देख सकते हैं आप, 5 और 6 इनका नंबर है, और यही है हमारी। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं, आप लोगों को अभी कोडिंग नहीं समझ आई है मैंने, लेकिन कोडिंग अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए अब इसमें जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 100 से प्लस है, तो रेड कलर की जो LED है ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन अगर मैं इसकी जो वैल्यू है, जस्ट अ सेकेंड, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं कम कर दूं 100 से, देन ग्रीन कलर की LED जो है ये जग रही है। ठीक है, तो अब इतना आपको समझा दिया मैंने, आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। ओके, ये हमने कनेक्शंस कर लिए हैं, एंड लेट्स चेक दी कोड जो हमने पिछली वीडियो में जो कोड किया था, कोड हमारा वही है एज इट इज़। और ये हमने कंपाइल किया, कंपाइलिंग, अपलोडिंग, अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। लेट्स चेक दी सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर में जो वैल्यू दिखा रहा है ये वोल्ट की फॉर्म में दिखा रहा है, ये 1 पॉइंट, बीच में 1 वोल्ट भी आता है, 0.8, इस रेंज में आ रहा है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे जो ये वाला जो कोड डाल रखा है ये वोल्टेज की फॉर्म में, इसको तो हम एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे इसके अंदर हम बी कर देंगे, और देखते हैं कि बी करने पर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर अभी मुझे लगता है हमें एनालॉग जो था हमारा, एनालॉग रीड जो हम कर रहे थे पिछली कई वीडियो से, जो कि रेंज, जिसकी रेंज थी 0 से 0 से लेकर के 1023 के बीच में, वही हमें शो होगा। और एक्चुअली शो वही होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट का जो इफेक्ट है ये उस हिसाब से हमें शो करेगा जिस हिसाब से इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट का मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, और तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, तो अभी आपको ये 150 के अराउंड दिख रहा है, अब मैं अगर इसके ऊपर अंधेरा करूँ तो ये 50 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, और मैं अगर इसको दोबारा से हटा दूँ तो अब दोबारा से 150 दिख रहा है। ओके, अब मैं अगर इसको यूं ढक लूं तो इसकी जो वैल्यू है ये चेंज होती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरी तरह से यूं ढक लूं तो इसकी वैल्यू 70 के आसपास दिख रही है। तो इसमें लाइट का तो चेंज शो हो रहा है, लाइट का चेंज जो है उसके अंदर शो हो रहा है। ओके, अगर मैं इसके ऊपर एक्सिस में लाइट डालूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। होप गाइस आप लोगों को जो चेंज है वो दिख रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर जो है मेरे फ़ोन से टॉर्च लगा रहा हूँ, टॉर्च जगा रहा हूँ, देन आपको ये 550 के अराउंड जाता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर मैं एकदम से इसको हटा दूँ तब ये 99 के अराउंड आ जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर अंधेरा कर दूँ तो इसकी वैल्यू 36, 30, 20 के आसपास आ गई। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आ गई 500 के अराउंड, एंड देन अगेन जो इसकी वैल्यू है ये डिक्रीज़ हो गई।
ठीक है, तो ये ऐसे तो हमारा जो है ये काम कर रहा है फोटो रजिस्टर, लेकिन फोटो रजिस्टर जो है ऐसा काम हमें नहीं करवाना है एक्चुअली इससे, तो हमें इससे किस तरह से काम करवाना हम वो देखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी अभी जो शो हो रही है वो है आपकी 130 के अराउंड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो 100 के अंदर अंदर हो तब तो ग्रीन लाइट जगे, है ना। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो 100 से ऊपर हो तब ये रेड एलईडी जगाए, ठीक है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब क्या हमें इस वॉल की ज़रूरत है? लेट्स चेक, डन, सेविंग, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल यू। जब तक कोड अपलोड हो रहा है तब तक हम क्या करें, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि कोड अपलोड होने में कि हम कुछ कर सकें। ओके, तो कोड जो है हमारा अपलोड हो गया है। तो अगेन ओपन कॉम पोर्ट 4, तो 100 से ऊपर है तो आपको रेड एलईडी जो है जगती हुई दिख रही है। मैं अब आपको इसमें चेंजेस करके दिखाता हूँ। देखिए 100 से नीचे आते ही आप लोगों को ग्रीन एलईडी जगती हुई दिख रही है। इसको हटाते ही दोबारा से देखते हैं, यही तो मज़ा है इस चीज़ का। देखिए ये देखिए ये देखिए, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है, आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप लोगों को एक अलग से पूरी तरह से डेडिकेटेड वीडियो फोटो रजिस्टर पर बना के दी जाएगी। वैसे ये भी डेडिकेटेड थी, कोड हमने एज इट इज़ वही वाला यूज़ किया था। कोड बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। कोड जब एक ही कोड बार बार यूज़ हो रहा है हमारा, तो हम बार बार कोड क्यों लिखें। और कोड भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल कोड है। रेड एलईडी को हमने INT5 दिया है, ग्रीन एलईडी को हमने 6 दिया है। एनालॉग रीड के लिए हमने A2 पिन का यूज़ किया है। INTI एक वेरिएबल डिफाइन किया है, फ्लोट वोल्टेज करके डिफाइन किया है। देन हमने वॉइड सेटअप के अंदर ये बताया है कि मैं रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और एना रीड जो हमारी है इसको आउटपुट आउटपुट इनपुट के लिए यूज़ करूँगा। देन सीरियल मॉनिटर को ऑन किया है इसके यूज़ करके। देन INTB एनालॉग रीड किया है, एना रीड इसके अंदर हमने पास कराया है कि एनालॉग रीड जो है मुझे इस पिन से करना है, ठीक है। इस पिन का जो वो पिन नंबर है वो हमने ऊपर बता रखा है। और देन आफ्टर हमने वोल्टेज जो है वॉल हमारा जो फ्लोट टाइप का था वेरिएबल, उसको हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन किया है। देन सीरियल प्रिंट बी, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आप इसको सीरियल प्रिंट करेंगे तो आपको अलग टाइप से इसके अंदर देखने को मिलेगा कुछ, मतलब अलग पैटर्न में। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो है लाइन बाय लाइन हर बार नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, सीरियल प्रिंट भी करेंगे, तो ये थोड़ा अलग टाइप से आएगा, वो भी हम देखेंगे। देन इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 100 देन रेड एलईडी को हाई करो, और इफ़ बी इज़ लेस देन 100 देन ग्रीन एलईडी को ऑन करो। तो बस इतना सा ही था इसमें, और ज़्यादा इसमें वो वाली बात कुछ है नहीं। और अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग पैटर्न में भी चला सकते हैं। जैसे कि रेड एलईडी मान लीजिए अगर ऐसा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसको मैं कर दिया कॉपी। देन इसके अंदर जाकर मैं इसमें अपलोड करूँगा एक डिले, डिले मैं यूज़ करूँगा 100 मिली सेकेंड्स की। एंड देन मैं इसके अंदर ये जो चीज़ है ये अपलोड करूँगा, कंट्रोल एस कंट्रोल यू। अब आपको जो रेड कलर की हमारी एलईडी है ये एक अलग पैटर्न से जगती हुई दिखेगी, और वो पैटर्न जो है वो बड़ा ही अच्छा होगा क्योंकि हमने कोड किया है। लेट्स ओके, तो आप लोगों को दिख रही है, और मैं आपको कॉम पोर्ट 4 जो है दिखा देता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू है ये ऐसा कुछ शो कर रहा है, और ये अभी 200 के अराउंड जाने वाली है। और 2 अराउंड के आसपास आते ही, 200 के आसपास आते ही इसकी जो ब्लिंक रेट है वो ये है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।